हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड यस है। फ्रेंड्स, ये हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिस है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं सारी चीजें। पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, ये नोटिफिकेशन है, 9 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया। इसके अंदर जो है कंप्लीट सिलेबस हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल ये जो है सिलेबस है, सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम्स एंड मेन्स एग्जाम। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्री का सिलेबस प्लस मेन्स का सिलेबस प्लस आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सभी का सिलेबस। ये ऑफिशियल है, आपको सारी चीजें यहाँ पर हम डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, सारी चीजों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको किसी भी चीज की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप लोग HCS की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी अगर आपको नीड है, कुछ भी चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं, 9896160956। और इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के बारे में पता कर सकते हो। स्टडी मटेरियल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इस सिलेबस के अंदर जितनी भी चीजें वो सारी आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिलेंगी, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। चलिए यहाँ पर प्रीलिम्स का पहले सिलेबस देखते हैं। पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज का, जिसको आप लोग इन शॉर्ट जीएस बोलते हो, जनरल स्टडीज। इसमें जनरल साइंस चाहिए, 10th लेवल तक की आपको जनरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो आप 10th की बुक से कवर कर सकते हो। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपका करंट अफेयर का पोर्शन होगा, जो हम स्टडी मास्टर आपको अच्छे से कवर करवाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये हिस्ट्री की जितनी भी चीजें हैं, कंप्लीट हिस्ट्री इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपकी एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न एंड मेडिवल हिस्ट्री। एक बात ध्यान रखना, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। कुछ स्टूडेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री हरियाणा सिविल सर्विसेज में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसके अंदर की पूरी ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में सारी चीजें आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर हिस्ट्री का ही पार्ट है। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, अब देख लीजिए इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी, इतनी इतनी चीजें लिखी हुई है आपके सिलेबस में। आप समझ सकते हो कि प्रीलिम्स का सिलेबस किस तरह से है, इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी। अब पॉलिटी की आप चाहे ग्रेजुएशन की चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की जितनी मर्जी बुक उठा के देख लीजिए, फिर भी पॉलिटी का क्वेश्चन या इकोनॉमी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाएगा, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल में से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, आपको सारी चीजें इसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि यहाँ पर जनरल रीजनिंग की बात की जा रही है। हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, हरियाणा की इकोनॉमी और उसके लोगों के बारे में, यहाँ का कल्चर के बारे में, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर ये हरियाणा के बारे में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो हरियाणा की ज्योग्राफी भी ऑफिस आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो आपकी एवरीडे साइंस होती है कि कैंडल बर्न हो रही है तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, अगर आपकी ट्यूबलाइट ग्लो कर रही है तो किसकी वजह से कर रही है, अगर आप मान लीजिए सूरज की रोशनी आप तक पहुंच रही है तो वो किस प्रोसेस की तरह पहुंच रही है, या सूरज की जो हीट आप तक पहुंच रही है आपको फील हो रही है वो किसके कारण फील हो रही है, तो इस तरह के जो डे टू डे ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन है। एंड एक्सपीरियंस, मान लीजिए आपने वो कहीं पढ़ा नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। As may be expected of a well-educated person who has not made a special study of any particular science discipline, मतलब जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है साइंस में, कुछ उन्होंने अलग से डिग्री नहीं हासिल की, कोई महारत हासिल नहीं की, फिर भी वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। दूसरी चीज है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट में नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स विल बी टेस्टेड। मान लीजिए अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कोई नया ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, जैसे बजट आया है 2021 वाला, तो बजट से रिलेटेड, बजट से हमारी इकोनॉमी में क्या कुछ बूस्ट हुआ है, क्या कुछ नीचे गया है, तो ये सारी चीजें ये आपकी जनरल नॉलेज यहाँ पर करंट इवेंट्स के अंदर आती है। इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एम्फेसिस विल बी ऑन ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑन इट्स सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एस्पेक्ट। इकोनॉमी जो हमारी जो हमारी हिस्ट्री है उसने हमें सोशली कैसे चेंज किया, इकोनॉमिकली कैसे उसका इफेक्ट हुआ, पॉलिटिकली उसके कैसे इफेक्ट हुए, तो वो सारी चीजें आप बताएंगे। आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ी है हिस्ट्री, तो जो आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी का कहीं ना कहीं जड़ें हिस्ट्री में, इकोनॉमी की जड़ें भी हिस्ट्री के अंदर ही हैं। क्वेश्चन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू नेचर एंड करेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी, रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। इन ज्योग्राफी एम्फेसिस विल बी ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी नदी किस स्टेट से होकर बहती है, किस नदी पर कौन सी यहाँ पर परियोजना है या फिर कौन सा प्रोजेक्ट लगाया गया है,
ये सारी चीजें आपकी ज्योग्राफी को टेस्ट करती हैं। क्वेश्चन ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट टू फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या मतलब है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब है कि किस जगह पर कैसा टेरेन है, कैसी जगह है, वहां पर कौन सी फसल होती है, किस तरह के लोग रहते हैं। ये सारी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पार्ट है। इंक्लूडिंग द मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह पूछे जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऑन द पंचायती राज, सॉरी, क्वेश्चन ऑन द इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल बी टेस्ट नॉलेज ऑन द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी। द कैंडिडेट विल टेस्टिंग ऑन रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटीज। तो ये देख लीजिए, जनरल मेंटल एबिलिटी और इसके अंदर आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज टेस्ट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज सिलेबस में नहीं लिखी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है यहाँ पर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट क्या होता है, कुछ लोग जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर और भी कई स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, जो क्या करते हैं, एनवायरमेंट को ज्योग्राफी का ही पार्ट समझते हैं, तो वो ज्योग्राफी लिख देते हैं, एनवायरमेंट वो लिखते नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट से देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, ये तो बात मैंने कर ली सिलेबस की, जनरल स्टडीज का मैंने अच्छे से आपको सिलेबस बता दिया कि ये जीएस का सिलेबस है। अब एक और चीज है, पहले तो मान लीजिए आप कवर कहाँ से करेंगे, तो अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेज कर लेते हो तो आपको सारा अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज कौन कौन सी बुक्स हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया गया, उस वीडियो में बताया गया कि कौन कौन सी बुक से आप ये सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो फिर भी आप हमें कॉन्टेक्ट करके इस नंबर पर 9896160956 पर कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हो। और हमारी एक हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आपको डेली जो है 30 से 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 30 से 50 क्वेश्चन रोजाना प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। वो हमारे यूट्यूब पे लेक्चर होता है, जिसको HCS टारगेट वीडियोज के नाम से पब्लिश किया जा रहा है, तो वो डेली है, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब दूसरा पेपर है आपका CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT, ठीक है। इसके अंदर कॉम्प्रेंशन, आपको कॉम्प्रेंशन दिया जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चन आएंगे हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी। ये जो 10th लेवल का मैथ्स का यहाँ पर पूछा जाएगा, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसके अंदर चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। तो ये 10th लेवल तक का ये सारा आपसे पूछा जाएगा। तो आप दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, एक होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का। दोनों का सिलेबस मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर कवर करवा दिया है। अगर बात करें हम मेंस के सिलेबस की, तो मेंस का सिलेबस भी यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन मेंस का सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका जो पार्ट सेकंड आएगा वीडियो का, उसके अंदर हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस था, कंप्लीट आपने डिस्कस कर लिया, आपने देख लिया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है कि सर हमें ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप इसकी ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उस पर क्लिक करके आप उस पर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन डाल के आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए मैं लेकर आता हूँ, सबसे पहले सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, तो फटाफट से लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है, फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, वहां से आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, जिसमें कि मेंस का सिलेबस होगा। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।